मुसलमानों का स्कूल है, तो हमारे कल्चर भी वही होने चाहिए। ये स्कूल टूटने लगे तो फिर एक ऐसा वक्त आया कि जिसने मुझे मजबूर किया कि या तो मैं अलग हो जाऊँ या तो फिर अपने उसूलों को टूटता हुआ देखूँ। बच्चों के अंदर आप एबिलिटी पैदा करनी पड़ती है। बच्चा अभी वन क्लास में है और पेरेंट्स पागल हुए पड़े हैं कि किसी तरह से एनी में एडमिशन हो जाए, सिक्स में एडमिशन हो जाए, नाइन्थ में एडमिशन हो जाए। जो बच्चा जैसा है उसको उस तरह से हम लोग ट्रीट करने वाले हैं। जब आपको ये कहा जाए कि ऑन पेपर आपका कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कोई भी एक आम इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। आपका स्वागत है। कुछ सवाल हम आपके पास लेके आए हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आपके साथ जुड़ी रही। इस इदारे से पहले यानी यूपीएस से पहले आप क्यूसी में से जुड़े रहे, वहाँ पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। इलाके के लोग न बल्कि इलाके के लोग, यहाँ से बाहर के लोग भी, जो इस इलाके के लोग हैं जो बाहर भी रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सीज थी जिनके चलते आपने उनको अलविदा कहा और यूपीएस की आपने शुरुआत की। तो इन्हीं सारी चीज़ों से जुड़ी हमारे कुछ सवाल हैं, उन सवाल को आपके सामने रखेंगे। पहला सवाल मेरा ये है, क्यूएसी को आप लोग मिलकर खड़ी कर चुके थे, उसमें आपका अहम रोल था जी। ऐसे में क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको यूपीएस खोलनी पड़ी, यानी उसिया पब्लिक स्कूल? देखिए, इस सवाल का जवाब तो बहुत छोटा नहीं हो सकता है। अब ये चीज जो आपने पूछा है कि क्या ऐसी जरूरत पड़ी, तो मुझे पीछे का पूरा आपको बैकग्राउंड एक बताना पड़ेगा और मैं उसको बहुत शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहूँ कि देखिए, ये जो एजुकेशन का जो मेरा थीम था, एजुकेशन फील्ड में आने का जो मेरा मकसद था, ये दसियों साल पहले से, मैं आज से 10 साल 12 साल पहले से मैं सोच रहा था। और ये हमारे एरिया के जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो कुछ करना चाहते थे, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उन सबसे डिस्कस करते रहता था। फिर एक ऐसा वक्त आया कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैं तो अच्छे खासे नौकरी पे था। उस नौकरी को रैंडमली मैंने छोड़ा और स्कूल में आ गया। और जब इसमें आया तो मैदान एकदम मेरे लिए इतना आसान नहीं था। एकदम जीरो से मैंने मतलब शुरुआत की, स्कूल्स में पढ़ाए, फिर कोचिंग्स किया, फिर हमने मशवरा दिया कि क्यों ना हम एक स्कूल खोलें, ताकि जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मेरी मकसद की तामीर शायद ना हो पाए, तो हम एक ऐसा स्कूल खोलें जो एक मकसद के लिए हो। और हमारा मकसद यही था कि एक आला दर्जे की एक तालीम हो, जिस तालीम में जो हमारे बच्चे निकले तो एक तो दुनियावी एतबार से वो बहुत ऊपर हों और दीन का उनके अंदर वो जज्बा हो, वो अंसर हो, जो आजकल के पढ़े लिखे लोगों के अंदर नहीं है। इस जज्बे के साथ हमने एक शुरुआत की थी और लोगों ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन बाद में जो हमारे उसूल थे वो टूटने लगे और इस चीज़ को मैं अपनी आंखों से देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। जाहिर सी बात है, मैं तो अपने उसूलों पर जमा हुआ था लेकिन बहसियत में अकेला नहीं था। तो जब ये उसूल टूटने लगे तो फिर एक ऐसा वक्त आया कि जिसने मुझे मजबूर किया कि या तो मैं अलग हो जाऊँ या तो फिर अपने उसूलों को टूटता हुआ देखूं और एक ऐसा आदमी बन के रह जाऊं कि जो अपने उसूलों से समझौता कर ले। तो बहरहाल मैंने ये तय किया कि मैं यहाँ से हट जाऊंगा और अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं करूंगा। तो फिर मैंने ये फैसला कर लिया कि ठीक है, अब मैं यहाँ से हटता हूँ और अगर आगे कहीं ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा तो फिर इस फील्ड में आया जाएगा, वरना इस फील्ड को तो मैं अलविदा कह चुका था। फिर कुछ ऐसा अल्लाह ताला ने सिचुएशन बना दिया, लोग आए मेरे सामने और ये सारी अल्लाह की मर्जी थी और अल्लाह ने ऐसा सिचुएशन पैदा किया, ऐसा रिसोर्सेज मेरे सामने ला के रख दिया। तो जाहिर सी बात है, ये तो मेरा एक ड्रीम था, जिंदगी का एक मकसद था, तो मुझे इसको पीछे कहाँ छोड़ के जाना था। तो फिर इस तरह से यूपीएस की शुरुआत हुई और इंशाल्लाह जो वो पुरानी मेरी मकसद है उसको फिर से जिंदा करने के लिए एक फिर से नई शुरुआत हमने की है, ताकि वो जो हमने दो मकसद लेके हम चले थे कि हमारे बच्चे दुनियावी तालीम में आला मेयार पे हो और फिर उनके अंदर दीन का भी आला मेयार। मोहसिन साहब, मुझे लगता है कि मैं जो सवाल पूछ रहा था शायद उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हूँ और इसलिए मैं सप्लीमेंट्री एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। वो कौन सा ऐसा मौका था, मेरा मकसद और मेरे पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि आप उसूलों की बात कर रहे हैं कि आपने क्यूसी को अलविदा कह दिया, उन उसूलों को टूटते हुए देख रहे थे आप, मेरा मकसद सिर्फ यही है वो जानना, वो कौन सा ऐसा मौका था जिसके बाद आपको लगा कि अब आपको क्यूसी छोड़ देना चाहिए? कोई तो पिन पॉइंट रहा होगा जब आपको लगा कि नहीं छोड़ देना चाहिए। नहीं, हाँ, आप ये बात तो सही कह रहे हैं कि एक पिन पॉइंट होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कोई चीज़ चलते आ रहे और अचानक से ये सारी चीज़ें और मैं छोड़ दी। ये चीज़ें धीरे धीरे बिल्डअप हो रही थी और एक पॉइंट पे जाके जब ये अब लगा कि अब ये पानी तो नाक के ऊपर जा चुका है, फिर ये मैंने फैसला लिया। तो अब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर एक बात बताना चाहूँगा कि भाई, हम लोग इस्लामिक उसूलों पर शुरू में आए थे कि हमारा जो
स्कूल है, मुसलमानों का स्कूल है, तो हमारे कल्चर भी वही होने चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा था कि स्कूल में जो फॉलोइंग फॉलो हो रहा था कि भाई ठीक है ये बड़ी स्कूल है तो इसकी ये चीज़ हम फॉलो करें, तो बड़े स्कूलों में क्या है, मतलब आसपास की जो स्कूलें हैं उसमें जो कल्चर है वो कल्चर भी आ रहा था हमारे। अब उस कल्चर में फिर जाहिर सी बात है कि वहाँ से उस कल्चर में पल बढ़ के जो बच्चे आगे जाएंगे वो फिर वैसे ही होके रह जाएंगे। तो ये जो है ना सबसे बड़ा एक जो मेरा वजह था छोड़ने का, ये तो सबसे बड़ा वजह बना, क्योंकि इस चीज़ से अब मुझे लगा कि मेरे अंदर गैरत ही नहीं रही है क्या, कि मैं अभी ये सब देख रहा हूँ और फिर भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो पिन पॉइंट अगर मैं बताऊंगा तो पिन पॉइंट यही पॉइंट था। बाकी इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी फाइनेंस को लेके, जो मैं देख रहा था कि हम लोगों को पेरेंट्स के ऊपर जो इतना बोझ नहीं देना चाहिए। मैं खुद अपने सामने देखता था कि लोग आ रहे हैं एडमिशन के लिए और फिर उनके ऊपर इतना बोझ पड़ जा रहा है कि वो इधर से उधर से कैसे करके जुगाड़ कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं एक सेंसिटिव इंसान हूँ, मैं समझ जाता था उनकी उनकी क्या कैफियत है। तो ये चीज़ें मुझे खटकती थी, लेकिन अब चीज़ें मेरे कंट्रोल से निकलती जा रही थी, स्कूल बढ़ रहा था और चीज़ें मेरे कंट्रोल से निकलती जा रही थी। तो मैं अपने अंदर ही एक जो एक ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं अपने अंदर ही कैद होकर रह गया हूँ। तो फिर फाइनली मैंने ये फैसला लिया कि मुझे यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। चलिए, आपने बड़ी ईमानदारी से ये बताया कि ये दो ऐसी चीज़ें थी जो पिन पॉइंट्स है जिनकी वजह से आपको अलविदा कहना पड़ा, आपको कि उसी को छोड़ना पड़ा। मगर इसके पीछे कुछ लोग जो है इस तरह के आरोप लगाते हैं, उनका ये कहना है, ऐसा कहा जाता है कि पैसों की लेन देन और कुछ हिस्सेदारी की बात थी क्यूसी फाउंडेशन में, और आपने यही वजह है कि वो जो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हुई तो आपने क्यूसी पे कुछ गंभीर आरोप लगाए और आखिरकार आपने उसको अलविदा कह दिया। इसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या है? जी जी, देखिए गंभीर आरोप तो आज तक मैंने किसी भी थर्ड पर्सन से नहीं लगाया। हाँ ये है कि गाँव में लोग मुझसे बातें करते थे और जो उसमें सच्चाई रहती थी वहाँ पे मैं खामोश रहता था, जो उसमें सच्चाई नहीं होती थी तो मैं लोगों को टोकता था, नहीं ऐसे नहीं, ये बात तो नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता है कि किसी से मेरी अगर नाइतफाकी है तो मैं उसके बारे में गलत रूमर भी फैलाऊं। तो मैंने आज तक किसी भी थर्ड पर्सन से बातें नहीं कही। हाँ, फाइनेंस को लेकर जहाँ तक मसला है तो वो ये था कि देखिए कोई भी चीज़ अगर चलती है तो जाहिर सी बात है फाइनेंस उसमें एक अहम रोल अदा करता है। लेकिन मैंने इस बिहा पे नहीं छोड़ा, मैं तो आज स्कूल 5 साल हो गए और स्कूल के 1 साल बाद ही डिसाइड हो गया कि मेरा फाइनेंशियल क्या रोल रहेगा, उस स्कूल में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी, ये बात तय हो गया था और मैंने उसका एक्सेप्ट भी कर लिया था। हालांकि मैं अगर उस वक्त एक्सेप्ट नहीं करता तो स्कूल वहीं में ख़त्म हो गया होता या तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता, लेकिन मेरा मकसद कुछ और था। जो मैं लेके आया था उस मकसद को मैं चाहता था कि किसी तरह से उसको तकमील तक पहुंचाऊं। तो मैंने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी कि भाई स्कूल में आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी, आप बस एज अ म्यूचुअल रहेंगे, ऑन द पेपर आपका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। अब आप सोचिए कि स्कूल का आइडिया मेरा था, शुरू में सारी चीज़ें मैंने जो भी चीज़ें चाहिए एक स्कूल को खड़ा करने के लिए इंटेलेक्चुअल लेवल पर या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, वो सारा चीज़ मैंने हैंडल किया। और उसके बाद जब आपको ये कहा जाए कि ऑन पेपर आपका कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी एक आम इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मैंने किया इस चीज़ को और उसके 3 साल बाद मैंने स्कूल को छोड़ा, जब सारा मामला इस्टेब्लिश हो गया तब मैंने छोड़ा है। तो ये बात तो अपने आप में नल एंड वाइड हो जाता है कि मैंने पैसे के लिए छोड़ा। चलिए, ये सारी कंट्रोवर्सी थी जिनका आपने बड़ी ही बेबाकी और ईमानदारी से जवाब दिया। मुझे लगता है कि अब हमें उस ओर बढ़ना चाहिए जिस मकसद से आप एक कदम आगे बढ़े और हिम्मत जुटाए कि आप UPS यानी UCI पब्लिक स्कूल को खोल सकें, तो हम उसके बारे में कुछ बात करते हैं। इससे रिलेटेड हमारा सवाल ये है कि UPS में वो कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो उसे दूसरी स्कूलों से अलग करती हैं? जी देखिए, ये जो है टीचिंग का जो मसला है ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड वाइड मसला है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इंडिया का मसला है, क्योंकि मैं इस पर अक्सर रिसर्च करते रहता हूँ। ये एक वर्ल्ड वाइड मसला है और इस मसले को सुलझाने के लिए मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ। मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आप किसी इलाके के बड़े स्कूल्स में जाइए और वहाँ पर आप बच्चों को चेक करिए कि ऐसा क्या बात हो रहा है कि भाई जिस चीज़ का वो वादा करते हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो उनके वो भी अपनी तरफ से पूरी ईमानदार हैं कि हम ऐसा कर ले, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। आप किसी स्कूल में चले जाइए और क्लास 9th और 10th के बच्चे को उठाइए और रैंडमली आप सवाल करिए, देखिए आप उसको पाएंगे कि ये स्टैंडर्ड 5 के लायक भी नहीं है लेकिन 9 में पहुंच चुका है। तो ऐसी क्या वजह, इसका मतलब उनका मेथोडोलॉजी गलत है। जो क्योंकि देखिए हर बच्चे को अल्लाह ताला ने अलग अलग जहन दिया है, तो हम एक क्लासरूम में बैठा के जब उनको पढ़ाते हैं तो हम उनको एक तरह से ट्रीट कर रहे हैं और कुछ बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ये मसला हमारे सामने भी है। तो कहीं ना कहीं हम उसको जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो बच्चा जैसा है उसको उस तरह से हम लोग ट्रीट करने वाले हैं। और ये काम जो है मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं है, ये एक चैलेंज भरा काम है मेरे लिए और इसमें फाइनेंशियली मुझे लॉस होने वाला है।
लेकिन यह है कि जो बच्चा जिस लेवल का है उस लेवल पर आके हम उसको जो भी उसको डेवलपमेंट करना है हम उसको करेंगे। ये हमारा पहला थॉट है। दूसरा ये है कि आप नजरें उठाइए और देखिए कि किसी भी मुसलमानों का जो मैनेजमेंट है उसमें कहीं इस्लामिक वैल्यूज और कल्चर नजर आता है तो आप देखेंगे बिल्कुल नहीं नजर आता, बल्कि तो वो एक कदम ईसाइयों से और क्रिश्चियन से बड़े एक कदम आगे हैं। ये हमारा दूसरा क्या, ये सबसे अहम चीज़ है कि हमारे बच्चों के अंदर इस्लामिक तहजीब और इस्लामिक वैल्यूज हम लाएं। भले वो दुनियावी पढ़ाई में थोड़े पीछे हो जाए, नो डाउट हो सकते हैं क्योंकि उसमें पूरी हमारी अख्तियार नहीं है, लेकिन ये है कि ये गारंटी है कि जो हमारे यहाँ जो बच्चा 5 साल 10 साल रह लेगा तो उसके अंदर जो है इस्लामिक वैल्यूज और इस्लामिक अकदार तो 100% आएंगे ही आएंगे। क्योंकि एक बच्चा जो बचपन में 5-6 साल का होता है उसका मन जो है एकदम स्लेट की तरह होता है, उस पर आप जो लिख देंगे वो जिंदगी भर रह जाता है। तो बेसिकली यही दो चीज हमारे लिए स्पेशल है, बाकी तो हर जगह वही सिलेबस है, वही पढ़ाई है, वही टीचर है, सारी चीजें वही है। जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि थ्योरेटिकल बातें होती हैं स्कूलों में और प्रैक्टिकल नहीं होती, जो आपके जब जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं उनमें देखने को मिलता है। और अक्सर इस चीज़ की चर्चा होती है कि आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो अलग चीज़ें होती हैं, तो UPS के बच्चों को आप कौन सी ऐसी सुविधा देने वाले हैं जो दूसरे स्कूलों से अलग होगी, तो कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल बातें जो आप जानते हैं? जी देखिए, जो इन्हीं सारी चीज़ों को लेते हुए मैंने एक तो फाइनेंस का आपको बताया कि पेरेंट्स पे मैं चाहता हूँ फाइनेंस का बोझ ना पड़े, इसी को लेके मैंने NCERT का बुक अपने स्कूल में 1 से लेकर और पूरा ऊपर तक जो कि आपको समझ है 9-10 टाइम जो है ना सस्ता है। और NCERT का बुक ऐसा भी है कि उस पर ज़्यादा सिलेबस का बर्डन नहीं है, ये नहीं कि बच्चों को साल भर में भी वो सिलेबस ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो NCERT का सिलेबस बहुत कंसाइज होता है, कम होता है लेकिन अच्छा होता है। तो हमारे पास एक एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा जिस टाइम में हम बच्चों को भाई बुक में लिखा क्या है, ठीक है वो बच्चे याद भी कर लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, अच्छे नंबर्स भी लाते हैं, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं होता है कि व्हाट इज दिस, हाउ एंड व्हाई, तो उनके दिमाग में आता ही नहीं है हमारे यहाँ के, या मैं ये वर्ल्ड वाइड ही मसला बता रहा हूँ आपको, हाउ एंड व्हाई ये नहीं आता है बच्चों के दिमाग में। उसी चीज़ को हमें क्रिएट करना है। मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जो इंजीनियरिंग के बच्चों से पूछ लीजिए, एक सिंपल सा मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पाई इज इक्वल टू 22/7, क्या ये सही है? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है, 100% सही है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7। आप इसको चाहें तो तजुर्बा करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना उनको प्रैक्टिकली कभी अप्रोच ही नहीं कराया जाता है बच्चों को, जो ना एक इमेजिनेशन अप्रोच कराया ही नहीं जाता है, बस जो बुक में है कॉपी में उन्होंने लिखा उसको मेमोराइज किया, एग्जाम दिया, खत्म कहानी। तो ये सारी चीज़ों से हम ऊपर उठने वाले हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अगर कोई अलग हट के काम करते हैं तो ये आपके लिए एक चैलेंज से कम नहीं होता है, और मैं भी समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। तो मैं फिर दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इस चैलेंज में मुझे अपना खास रहमत मेरे ऊपर बरकरार रखे, ताकि मैं जी वजीद साहब ये आप भी जानते हैं और ये सबके लिए ये जानी हुई चीज़ है कि किसी भी स्कूल के लिए उसके जो पिलर्स होते हैं शिक्षक होते हैं, यानी टीचर्स जो है कैसे है, अगर टीचर बेहतर है तो जाहिर सी बात है बच्चा भी बेहतर होंगे। तो UPS के जो शिक्षक बाकी के स्कूलों से कितने अलग है, या उनके चयन के समय आप किन बातों का ख्याल रखते हैं? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, और सही बात है कि शिक्षक पे ही पूरा डिपेंड। मैं अगर एक अच्छे तरीके से पढ़ा लेता हूँ तो मेरे पढ़ने से तो पूरा स्कूल आगे नहीं बढ़ सकता है, पूरी पूरी जो टीम है वो बेहतर होनी चाहिए। देखिए मैं नहीं समझता हूँ कि आप क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा जहीन आदमी, बहुत हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट आदमी चाहिए। हाँ अप्रोच चाहिए, एक पढ़ाने का अप्रोच जो होता है और एक आप यूँ समझ लीजिए पैशन, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। और मैंने जिन लोगों को अभी तक सेलेक्ट किया है उनके पास अप्रोच है या नहीं है अभी तो बहुत कम वक्त हुआ है, लेकिन उनके अंदर पैशन है, वो कुछ चाहते हैं कि मैं इसी फील्ड में कुछ अच्छा करूं, और उनको जब वो टीचिंग कर रहे होते हैं तो उनको मजा आता है। मतलब वही अपने प्रोफेशन से अगर आपको प्यार है तो जाहिर सी बात है आप उसमें अच्छा करने वाले हैं। रही बात अप्रोच की, तो जाहिर सी बात है वो मेरे साथ हैं तो अप्रोच तो आएगा ही आएगा उनके अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मेरा असर तो उनके अंदर भी आएगा, और इस पर हम खास ध्यान भी देंगे, ट्रेनिंग भी करेंगे, सारी चीजें होने वाली है। सही कह रहे हैं मोहसिन साहब, एक सवाल इसी से सप्लीमेंट्री एक सवाल मेरा क्वेश्चन है कि आपकी सोच और आपका व्यवहार दूसरे शिक्षकों से बिल्कुल अलग है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, आपका जो व्यवहार है जाहिर की बात है बाकी शिक्षकों में हो ना हो आपका बेहतर है, लेकिन इसकी गारंटी आप कैसे देंगे कि बाकी के शिक्षक भी आप जितना ही बेहतर काम करेंगे?
हाँ, ये बात आपने बिल्कुल वाज़े फरमाया कि बाकी के शिक्षक मेरे जैसे काम नहीं कर सकते, और इस बात को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि देखिए शिक्षक जो है सैलरी बेस्ड होंगे तो मेरे जैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जो आपको पहले बात बताया कि उनके अंदर पैशन है, अपने प्रोफेशन से प्यार है, तो हो सकते हैं मुझसे बढ़ के भी कर दें। ये अगर होता कि वो सिर्फ पैशन नहीं होता, सिर्फ उनका एक जरिया मार्च होता, तो जाहिर सी बात है एक सैलरी बेस्ड जिस तरह से एक एम्प्लॉय होता है उतना ही काम करते। बट अगर उनके अंदर पैशन है तो मुझे वो खुद प्रोवोक करेंगे कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो अगर पैशन है तो मैं समझता हूँ कि वो मुझसे बेहतर भी कर सकते हैं। चलिए, एक एक सवाल और है, और वो भी आपके संस्थान से ही जुड़ा है। सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खासतौर से आपसे जुड़ा है जी, कि आईटी की बातें करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। बच्चे जो है वो MU या BHU हिंदुस्तान के दूसरे यूनिवर्सिटीज में, दूसरे इदारों में कैसे पहुंचे, इसके लिए आप कुछ खास कोशिश नहीं करते? इस तरह का आरोप है बाकी स्कूल लगा रहे हैं आपके ऊपर कि बच्चों को, जाहिर सी बात है कि जब MU और BHU या बाकी इदारों में, हिंदुस्तान के जो बेहतर आला इदारे हैं वहां पहुंचेंगे तो अपने आप वो बेहतर होंगे और बिल्कुल बेहतर, बिल्कुल तो इसके लिए आप कोशिश नहीं करते? आप IIT की बात तो करते हैं, इस पर नहीं, आप हाँ क्या बिल्कुल कहें? बिल्कुल। मैं, ये मेरे ऊपर ब्लेम है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो BHU है या MU है या जामिया है, ये भाई यूनिवर्सिटीज में टॉप पे है। और अगर मैं पढ़ाई की बात करता हूँ, मैं क्वालिटी की बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ बच्चों के अंदर वो एबिलिटी आए, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि मैं उनको, फिर अगर मैं उनके अंदर एबिलिटी पैदा कर दूँ तो वो तो खुद भी खुद ब खुद चले जाएंगे ना, मेरे रुकने से भी वो तो नहीं रुकने वाले हैं। तो ये तो इल्ज़ाम जो अपने आप में ही एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है कि जो शख्स पढ़ाई की बात करे वो BHU MU की मुखालफत क्यों करेगा या क्यों नहीं करेगा। सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है, आप इस रियलिटी को समझें, जो हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है, बच्चा अभी 1 क्लास में है और पेरेंट्स पागल हुए पड़े हैं कि किसी तरह से MU में एडमिशन हो जाए, 6th में एडमिशन हो जाए, 9th में एडमिशन हो जाए। आप डेटा उठाइए और देखिए यहाँ से जो लोग 1 में 5 में 6 में और 9 में गए, उनमें कितने परसेंटेज लोग जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल में उनका दाखिला हुआ है MU में या BHU में, आप डेटा उठाइए, एक भी नहीं, शायद इल्ला माशाल्लाह का। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों के अंदर आप एबिलिटी पैदा करने पर जोर दीजिए, ये नहीं कि 1th में एडमिशन हो जाए, 6th में हो जाए, 9th में हो जाए। 9th में होने के बाद आप जो है 10th में गए, 11th में गए, 12th में कर लिया वहां से 12th, उसके बाद आप वहां का एंट्रेंस ही नहीं निकाल पाए, क्या फायदा हुआ आपका? ये सवाल सोचने वाला है कि आपने एक MU का 12th का डिग्री लेके क्या कर लेंगे। सवाल ये है कि आप 12th तक हो सकता है यहीं पढ़ाइए, या हो सकता है 10th तक तो कम से कम यहाँ पढ़ाइए, और बच्चे के अंदर जो फोकस करिए कि इसके अंदर एबिलिटी पैदा हो ताकि वो इंजीनियरिंग में जाए, मेडिकल में जाए, या और भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें जाए। मेरा फोकस हमेशा ये रहता है एबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देने की, आप चाहते जी हैं कि जी लोग जी उनकी मैं एबिलिटी खुद बढ़े, चाहता हूँ कि मेरे उनकी बच्चे जो क्षमता कैसे है बढ़े। MU में इंजीनियरिंग में जाए, मेडिकल में जाए, लेकिन वही है कि मैं टॉप पे देख रहा हूँ और पेरेंट्स जो है वो नीचे देख रहे हैं, तो नीचे का देख के वो नीचे ही रह जाता है। रिजल्ट तो डेटा आप उठाइए और देखिए अपने गाँव में कितने लोग इंजीनियरिंग में गए, मेडिकल में गए। चलिए वजन साहब, कुछ एक दो और सवाल हमारे जी बचे, और वो सवाल खासतौर से इस खत्ते के लिए, इस इलाके के लिए, खासतौर से कमसार देश दुनिया के लिए है। जी सवाल ये है कि कमसार के साथ देश और दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहें? देखिए देश और दुनिया को तो संदेश देने लायक मेरी कोई हैसियत खास है नहीं, बट मैं कमसार को, ये भी संदेश को अगर मेरी पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि हमारे यहाँ जो है एजुकेशन की तरफ रुझान है, हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने, लेकिन पेरेंट्स को ये समझना होगा कि किस वे से बनेगा, कैसे। मैं दुनियावी एतबार से भी बात करूँ तो किस तरीके से बनेगा वो तरीका ना पेरेंट्स को तो पता ही नहीं, और जाहिर सी बात है होना होना भी नहीं चाहिए, पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा, ये तो स्कूल्स बताएंगे, टीचर बताएंगे, और टीचर्स और स्कूल्स ये काम करने में बहरहाल अभी तक तो फेल है। तो मैं यही जो है कमसार के आम आदमी को भी यही मशवरा दूंगा कि देखिए आप जब तक नहीं चाहेंगे ना, आपके अंदर पैशन नहीं होगा तो आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, और आपके बच्चे के अंदर पैशन नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। स्कूल्स में टीचर जो है सबको एक तरह से पढ़ाता है, कुछ बच्चे जहीन होते हैं निकल जाते हैं, उनके अंदर पैशन होता है और कुछ के अंदर नहीं। तो पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना है, आप अगर नहीं करेंगे तो यकीन जानिए कुछ नहीं होगा। हाँ इल्ला माशाल्लाह कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला वो सलाहियत पैदा कर देता है, ये एक चीज हो गया। दूसरा ये चीज है कि ठीक है आप बच्चे को जो बनाना है वो बनानी, दुनिया में जितना ऊपर ले जाना है उतना ऊपर ले जाइए, लेकिन ये याद रखिए कि अगर उसके अंदर इस्लामिक वैल्यूज नहीं है तो आप समझिए सब बेकार है, और इसका रिजल्ट आपको इसी दुनिया में दिख जाएगा। जब आप बूढ़े होंगे तो बच्चे फिर आपको दिखा देंगे कि आपने बचपन में उनके अंदर जो वैल्यूज डाला था ना, अगर वो इस्लामिक वैल्यूज डाला है तो बुढ़ापा में आपको फिर दिखेगा आराम, और नहीं डाला है तो फिर वो भी आपको दिखेगा। चलिए मोहित साहब, आखिरी सवाल मेरा,
अगर मैं आपसे पूछूं, एक दो नहीं या तीन चार या जो आप जैसे मुनासिब समझे, कि वो पांच बातें जो आप यहाँ की जनता से यानी कमसार की जनता से जो आपके जानने वाले हैं उनसे वो करना चाहेंगे, वो कौन से थे तीन चार पांच या दो या तीन जिन पे आप खरा उतरने वाले हैं? अच्छा, मतलब यूपीएस स्कूल के सिलसिले में पूछा। देखिए, कुछ चीजें हैं जो सबसे मैंने अपना एक टारगेट रखा है कि 5 साल बाद में कहाँ होऊंगा, 10 साल बाद में कहाँ होऊंगा और 15 साल बाद कहाँ होऊंगा। तो मैंने जो अपना फाइनल टारगेट रखा है वो 15 साल का रखा है, यानी जो बच्चा हमारे यहाँ एकदम नर्सरी में आएगा उस पर हमने अपना टारगेट रखा है कि इंशाल्लाह। देखिए, सारी चीज अल्लाह के हाथ में, हमारा काम है मेहनत करना, ये मेरा ड्रीम है और ऐसा नहीं है कि नामुमकिन चीज में से है। इंशाल्लाह इसी गांव से जो है ना बच्चे, इसी गांव से बच्चे सेलेक्ट होंगे आपके मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, वो भी टॉप मेडिकल और टॉप इंजीनियरिंग में। ये हमारा 15 साल का टारगेट है, ये वादा। उसके अलावा पांच साल में क्या, आप एक साल अगर स्कूल सही से फंक्शनल हो जाए तो आप एक साल के अंदर बहुत चेंजेस देखेंगे। लेकिन ये मैं दावा बिल्कुल नहीं करूंगा कि अगले एक साल में मैं जो है सारे बच्चों को एमयू में एडमिशन करवा दूंगा, ये मैं बिल्कुल दावा, इसलिए कि जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं उसको भी देखना है कि रॉ मटेरियल हमें कैसा मिला है। तो फाइनल प्रोडक्ट इतना जल्दी से अच्छा नहीं बना सकता हूँ, तो मैंने अच्छा खासा टारगेट लिया है 5 साल का, 10 साल का, फिर 15 साल का। तो इंशाल्लाह 5 साल में तो आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग दिखेगी, हमारे बच्चे इंग्लिश जो यहाँ का एक हैवक बन चुका है, तो आप देखेंगे 5 साल के अंदर यूपीएस के सारे बच्चे जो है ना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हुए आपको दिखेंगे। 5 साल, बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ 5 साल है।